बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाना शुरू कर दी है। इसी क्रम में आज भाजपा के संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक का आगाज किया, तो वहीं बैठक के अंतिम पड़ाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया। वहीं कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी मोर्चों के पदाधिकारी को कार्य सौंप दिए गए। 10 जनवरी से लेकर मार्च तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कहां कहां सभाएं करेंगे यह भी तय किया गया। वहीं महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि विपक्ष मुद्दे को किस तरह से विफल करना है, इस पर भी गहन मंथन किया गया। वहीं बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे भारत का विकास हो रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड में भी तमाम कार्य हुए हैं। इसी विकास पथ को चुनाव में जन जन तक पहुँचाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाना है, यह लक्ष्य निर्धारित किया गया। डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। सरकार की योजना किस तरह से मैसेज दिया सर आपने आज? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं, देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का, लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, उन सबसे मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं, उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी, सिर्फ भाजपा करेगी सर।